नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आजम खान एंड फैमिली को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। जयरामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है आजम खान और उसके परिवार को। आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई है, वही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही पत्नी को भी 7 साल की सुनाई गई है सजा। एमपी एमएलए कोर्ट ने तीनों को ही 7 साल की सजा सुना दी है और 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में तीनों को दोषी पाया गया है। तो आजम खान और उनके परिवार को एमपी एमएलए कोर्ट से तगड़ा झटका लगता हुआ, रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया है तगड़ा झटका। आजम खान और उसके परिवार को 7 साल की सजा सुनाई गई है और आजम खान को मिली है 7 साल की सजा कोर्ट द्वारा। तो आपको बता दें कि रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। मजिस्ट्रेट ट्रायल एमपी एमएलए कोर्ट श्री सोबित बंसल जी के न्यायालय में अब्दुल्ला आजम खान के डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला विचाराधीन था। इस मामले में वादी मुकदमा श्री आकाश सक्सेना ने 3/1/2019 को थानागंज पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराया था। अप्रैल 2019 में चार्जशीट न्यायालय में आया और 2021 में अगस्त 2021 में आरोप बना था। उसके बाद विचारण प्रारंभ हुआ। इसमें विचारण के दौरान पहले चूंकि सेशन न्यायालय में चलता था तो वहां श्री आलोक कुमार दुबे जी जो अपर सत्र जिला न्यायाधीश थे उनके वहां चला। उसके बाद पत्रावली नीचे आई, मजिस्ट्रेट ट्रायल बना। मजिस्ट्रेट ट्रायल में शुरू में श्री निशांत मान जी जो एसीजीएम थे, विशेष न्याय मजिस्ट्रेट थे, उनके वहाँ विचारण हुआ। उसके बाद पिछले साल मार्च में न्यायालय चेंज होने के कारण श्री सोबित बंसल जी आए और उनके सामने पूरा ट्रायल कंक्लूड हुआ। इसमें अभियोजन के द्वारा कुल 15 गवाहों को पेश किया गया, तथ्य के और दस्तावेज साबित कराए गए। बचाव पक्ष के द्वारा इसमें 19 गवाहों को पेश किया गया और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज माननीय न्यायालय द्वारा जो है सजा तीनों अभियुक्तों को धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी में दोषी पाते हुए वो सजा दिया है। ये अब्दुल्ला आजम खान का 2 जन्म पत्र का मामला था और उसमें ये सजा सुनाई गई है। 1 जन्म प्रमाण पत्र बना उनका 1/1/93 का, दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जो बना वो 1/30/90 का बनाया। 1 साथ 2 जन्म प्रमाण पत्रों का अलग अलग उपयोग किया था तो उसमें गवाही हुई। गवाही के पश्चात न्यायालय ने जो है ये पाया कि नहीं, ये गलत किया गया था उनके द्वारा और इसमें उन्होंने सजा सुनाई। और इसी बड़ी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे सहयोगी सुरेश कुमार। तो सुरेश, कोर्ट से अब सीधे जेल जाएंगे आजम खान की फैमिली और आजम खान फर्जी प्रमाण पत्र मामले में तीनों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। क्या कुछ ताजा अपडेट और क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, बता दूं कि इस समय मैं कचहरी से चलकर आ गया हूं, यहां जेल पर हूं, मौजूद हूं। आजम खान को रामपुर जेल में शिफ्ट करने के लिए पुलिस भारी बल के साथ यहाँ मौजूद है और इस समय आजम खान को जेल के अंदर लेके जाया जा रहा है। जी बिल्कुल, अगला रुख क्या होने वाला है इस पूरे परिवार का? क्या परिवार कोई दूसरी याचिका भी दाखिल कर सकता है सुरेश? जी मैं बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से आजम खान ने लगातार काफी समय से याचिकाएं डाल रहे थे, अभी एक हाईकोर्ट में भी डाली थी याचिका लेकिन उनकी रद्द कर दी गई थी। लेकिन अब देखते हुए आजम खान कहीं ना कहीं निराश नजर आ रहे हैं और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी तनी फातिमा को इसमें जेल के पास लाया गया है। अब आगे की प्रक्रिया जो भी होगी देखने वाली होगी। जी ठीक है सुरेश, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी ने तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा किया है कि अगला रुख क्या रहने वाला है आजम खान और उनके परिवार का, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अभी रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है, उनको और उनके परिवार को, और परिवार को 7 साल की सजा सुनाई गई है। उधर यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, तो साथ ही बीजेपी को विफल सरकार करार भी दिया है। अजय राय ने दावा किया कि 2024 में कांग्रेस जीत जरूर हासिल करेगी, जिसे लेकर कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी भी कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल की राजनीति जारी है और सपा बसपा कांग्रेस समेत कई दलों ने नेताओं
ने सुभाषपा का दामन थाम लिया है। सुभाषपा में शामिल होने के बाद फागू सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर हमारे राजनीतिक गुरु हैं और हमारी संवाददाता जया सिंह ने उनसे खास बातचीत भी की, सुनिए। आज सुभाषपा पार्टी में कई पार्टियों के नेताओं ने आज दामन थामा है। इसमें बता दूं कि समाजवादी पार्टी, बसपा और साथ ही साथ कांग्रेस के भी कई नेता शामिल रहे। इस वक्त हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी से लंबे समय तक जुड़े रहे फागू सिंह, ये हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। फागू सिंह, ऐसी क्या वजह है कि अब जाके आप समाजवादी सुभाषपा शामिल हो रहे हैं? सुभाषपा, हम पहले सुभाषपा में थे 2004 से, ये हमारी पार्टी थे, हम राजनीतिक गुरु हमारे ओम प्रकाश राजभर जी। भाजपा से प्रभावित हुए? हाँ, सुभाषपा से प्रभावित होकर नेताजी से। क्या देखा सुभाषपा? सुभाषपा हमारे राजनीतिक गुरु हैं नेताजी, और 2004 से 2023 11 तक थे हम इनके साथ। नहीं मतलब 2023 से फिर अचानक राजनीतिक गुरु का याद आया, ये मैं कह रहा? नहीं, अचानक नहीं, बातचीत लंबे तौर पर हरदम बातचीत चलती थी इनसे, मतलब फोन पे बातचीत करते 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 फिर अमन हुआ कि अब ज्वाइन ही कर। हाँ, मिलते थे इनसे। तो मायावती में क्या कमी नजर आई आपको? अब कम मायावती में क्या कमी नजर आई ये नहीं। आपके समर्थक बोल रहे हैं समाप्त हो रही है पार्टी? नहीं, हम मायावती के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर अभी बचा हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हम खुराक उत्तर क्यों दे रहे हैं? सीधा सीधा बोलिए। अब मैं बसपा में आजीवन इसमें रहूंगा, बसपा में आजीवन। नहीं नहीं, भारतीय समाज पार्टी में, सुहेलदेव पार्टी में। ऐसी कौन सी नीति आपको बहुत ज्यादा प्रभावित की? नेताजी हरदम शुरू से जब से पार्टी बनाए तब से लड़ाई लड़ते हैं सबके लिए। किसका किसका लड़े? सबके, पिछड़े अनुसूचित दल सबके लिए लड़ते हैं। कौन सी लड़ाई लड़ा है हमको तो बताइए, जो हमारी जानकारी में। तो आपकी जानकारी में ही भी करे, देख ही रहे हैं आपकी जानकारी में क्या है सब चीज़। वो यही पता है कि फागू सिंह चौहान, फागू सिंह को ज्वाइन करा लिया। हम तो बसपा के सुहेलदेव पार्टी के थे ही। ऐसी कोई बसपा में आपको कोई कमी तो नजर आया होगा ना, या टिकट के लिए आए? ना ना, टिकट के लिए नहीं आए हैं, हम पार्टी की सेवा करने के लिए आए हैं, नेताजी के साथ कदम से कदम मिला के पार्टी की सेवा करेंगे। अभी तक क्या क्या योगदान दिया बसपा में? बसपा में क्या योगदान, बसपा के साथ थे, कोई चुनाव नहीं लड़ा? हम जिला पंचायत सदस्य थे, वहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष भी हम वहाँ से मऊ से बनाए अपना। अच्छा, तो कुल मिला के मायावती रसातल में जा रही थी, इसलिए आपने सोचा कि सुभाषपा ही है जो हमको थाम सकती है? नहीं, सुभाषपा तो हमारी पहले से पार्टी है, पुराना घर है, इसमें घर वापस आया हूँ मैं तो आपसे। नहीं तो सवलिया वही आ रहा है ना कि 2004 से 2023 में आपको पुराना घर याद आने में आ गया। 2011 तक हम इनके नेताजी के साथ थे। राजनीतिक गुरु का ये अपमान न हुआ? नहीं, अपमान कहाँ हुआ, हम तो मानते ही हैं, शुरू से ही मानते हैं। कौन वाला मान रहे थे? सही से भी थे ना। दिल इसी में लगा रहेगा? हाँ, इसी में आजीवन। कहीं ऐसा ना हो कि फिर कहें अरे यार कहाँ? ना ना, ऐसा कभी नहीं होगा, आजीवन इसी पार्टी में हमको रहना है। मतलब खुश हैं आप? पीला पीला खुश है, मन एकदम गदागद? एकदम गदागद है। तो ये थे क्रांतिकारी बलिया की धरती से आने वाले फागू सिंह, मऊ घोसी, माफ करिएगा, ये मऊ के घोसी से आते हैं, घोसी में जहाँ के सबसे बड़ा शिकस्त मिला एनडीए में जब शामिल हुए सुभाषपा के, तो इसके बाद देखा गया कि किस तरीके से हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा। 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री वहां पे रफ्तार भरे थे, लेकिन अब सबसे बड़ी सवाल यही है कि जिस तरीके से लगातार कारवा जो है सुभाषपा का बढ़ता जा रहा है, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस तमाम, और खासतौर पर आरएलडी जो खुद रसातल में, उसके भी तमाम नेता यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बसपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती सुभाषपा देने वाली है भविष्य की राजनीति में, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी जो पीडीए की लड़ाई एक रफ्तार से लड़ती नजर आ रही है वो कितना मजबूत होती है। कैमरा आशीष कश्यप के साथ मैं जय जगन्नाथ, टीवी लखनऊ। ओडिशा के राज्यपाल गणेश लाल अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना विवेकानंद शिवाजी से करते हुए उन्हें श्री राम का ऐसा दीवाना, परवाना और मस्ताना बता दिया जो पूरे विश्व को एक करने चला है। इसके साथ ही श्री राम और उनके भव्य मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि 1 लाख नहीं 1 करोड़ सूर्य के एक साथ उग गए हैं आसमान पर, और उन सब की चमक श्री राम के नाखून के चमक की बराबरी नहीं कर सकते। दिव्य दिव्य मंदिर बनकर खड़ा होगा, और जिसका 22 जनवरी को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने वाले हैं। G20 को G21 बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है दुनिया में तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री को जाता है। हम ऐसे ही नहीं कहते वसुधैव कुटुंबकम, हम ऐसे ही नहीं कहते ये पूरा विश्व मेरा परिवार है, हम इसको वास्तव में जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, मरते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, स्वप्न लेते हैं, सोते हैं। हमारा ये विचार हमारे कण कण में, रक्त के एक एक कण में, आयु के क्षण क्षण में, पल पल में समाया हुआ है, और ये हम सबका सौभाग्य है। मित्रों, माताओं, बहनों, हम सबका सौभाग्य है कि आपके आशीर्वाद का कवच लेकर ये देश का माननीय प्रधानमंत्री, जिसको नरेंद्र भाई कहते हैं, ऐसा लगता है
कि फिर से कोई विवेकानंद ने जन्म लिया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां घुसखोर लेखपाल का एक वीडियो सामने आया है और अदालत में बयान के लिए रिश्वत लेता हुआ देखा जा सकता है इस वीडियो में लेखपाल। रिश्वत लेते लेखपाल का ये वीडियो सामने आया है, जो कि काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। और बयान देने के नाम पर लेखपाल ने रिश्वत ली थी और तभी ये वीडियो बनाया गया और इसे वायरल किया गया। तो घूसखोर लेखपाल का वीडियो आया है सामने, अदालत में बयान के नाम पर रिश्वत ले रहा था ये लेखपाल, और रिश्वत लेते हुए लेखपाल का ये वीडियो वायरल हो रहा है, सामने आया है। बयान देने के नाम पर ही लेखपाल ने रिश्वत ली थी और सदर तहसील इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। वहीं इस बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गोंडा से विपिन सिंह जुड़ चुके हैं। तो विपिन, सदर तहसील इलाके में रिश्वत लेते हुए एक लेखपाल को पकड़ा गया है और घूसखोर लेखपाल का ये वीडियो सामने आया है, जो इस वक्त काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? आपको बता दें कि ये मामला तहसील क्षेत्र का है, जहां पर एक लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन ये पहली बार नहीं। आपको बता दें, इससे पहले एंटी करप्शन की टीम ने भी लेखपाल को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है और अब ये वीडियो वायरल होता है। वायरल वीडियो होने के बाद में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने मामले का संज्ञान लिया है और तुरंत उसमें जांच बिठा दी गई। एसडीएम, सदर एसडीएम इसकी जांच कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच की आज लेखपाल, आरोपी लेखपाल तक पहुंच पाती या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार लेखपालों पर आरोप लगते हैं, उनका वीडियो वायरल होता है घूस लेते हुए, और एंटी करप्शन टीम पकड़ती भी है, उसके बावजूद भी अभी तक लेखपालों पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई। कुछ लेखपाल ऐसे हैं जो पीड़ितों का शोषण करते हैं। अभी ये मामला जो है, जो कि न्यायालय में बयान देने के नाम पर उससे पैसा लिया जा रहा है। अब सोचिए कि एक पीड़ित जो अपना मामला देख रहा है, उसके पास पैसे कहां से आए? लेकिन ये लेखपाल जो कि क्षेत्रीय लेखपाल होते हैं, इनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है और पीड़ितों का शोषण करते रहते हैं, वीडियो वायरल होता है, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जांच बिठा दी जाती है। अब देखना होगा कि इन लेखपाल पर कार्रवाई होती है या जांच की आज इन पर पहुंचती है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल विपिन, तो ये समझा जाए कि जहां एक तरफ सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए तमाम निर्देश देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के अधिकारी उनके तमाम भ्रष्टाचार के निर्देशों पर, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो निर्देश देते हैं, उन पर पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, इसको ये तो बिल्कुल जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गूगल ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सदर की तहसील की बात करें यहाँ पर, या कर्नलगंज तहसील की बात करें या तरबगढ़ तहसील की बात करें, यहाँ पर आए दिन लेखपालों के साथ इस तरह के विजुअल आरोप होते हैं, घूस लेते विजुअल आरोप होते हैं, एंटी करप्शन की टीम लेखपालों को घूस लेते पकड़ती भी है, उसके बावजूद वहाँ के उप जिला अधिकारी, वहाँ के तहसीलदार मामले का संज्ञान गंभीरता से नहीं लेते हैं कि पीड़ितों का शोषण ना हो सके, पीड़ित जो आए उसको वो इंसाफ मिल सके, क्योंकि उसको ये केवल उम्मीद होती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज में हमारा शोषण नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये लेखपाल है, अभी आप देख सकते हैं देवरिया कांड भी इन्हीं लेखपालों की वजह से ये इतना बड़ा कांड हो गया, तो कहीं ना कहीं ये लोग जमीन से जुड़े होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जुड़े होते हैं और इनका बहुत बड़ा एक दायरा होता है जिससे लोग जुड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लेखपाल जो है ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं लोगों को इंसाफ दिलाने में। जी जी बिल्कुल विपिन, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है और आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई, गिरफ्तारी को सियासी साजिश बताया है उन्होंने और उन्होंने कहा कि आवाम की अदालत इस बात का फैसला करेगी। तो आजम खान की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, 7 साल की उन्हें सजा सुनाई गई है, तो अब इस पर अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने इस पूरे मामले को सियासी साजिश बताया है और उन्होंने ये भी कहा कि आवाम की अदालत इस बात का फैसला करेगी। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए जनता टीवी।